kuja hapa. Mimi na kuja. Yana gani? Yako mbaya. Ente ga ingene. Go. Vale. एलिस यू वुमन, तुमने मुझे जंगल में बाप बनाने का प्रोग्राम बना लिया। मेरा ख्याल था इस वीक के एंड में होगा। आई एम सॉरी डियर, मुझको अस्पताल भेज दो और इमरान का ख्याल रखना। ओ नो डियर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। डैड, इस बार आप जितने शेर मारेंगे उनके खाल मेरे होंगे। धीरज प्लीज गाड़ी को रोको, मुझको बहुत तकलीफ है। हमारे खानदान का कोई बच्चा रास्ते की धूल में पैदा नहीं हुआ। माय डियर बी ब्रेव, हम बहुत जल्द किसी बड़े अस्पताल में पहुंच जाएंगे। धीरज खुदा के लिए गाड़ी रोको, धीरज प्लीज। मिसेस एरिज, आपके पास नर्स या डॉक्टर नहीं तो घबराइए मत। जब अस्पताल नहीं बने थे तब भी दुनिया की आबादी काफी थी और सारे बच्चे घरों में पैदा होते थे। मैं रेड़े में पैदा हुआ था और रेड़े में इसलिए पैदा हुआ था कि मेरी बेबे जो थी वो मेला देखने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा बेबे मेला देखे और मैं मेला ना देखूं, ये किस तरह हो सकता है। जम पड़ा तो पाग गिर जे। ये ईरज, ईरज आपकी पदेश किस जगह की है? वेल मोची दरवाजा लाहौर। ओए मोची दरवाजा, सक्रीरा जल से कुमकुमे लम्बे लम्बे फलूदे मोटे मोटे टेटा वाले पलवान, वो तो आपको याद होगा। वेल बैरी को याद था, मुझे कुछ याद नहीं। फिर तो तुम बड़े बदमाश हो। मेरा मतलब ये है जी कि देखना कि लॉर्ड लॉर्ड है और किनिया किनिया है। वैसे पापी को तो याद होगा। मेरा बेबी जर्मन है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मेड इन जर्मन, वेरी गुड। फिर तो जी आपको घर में मादरी जुबान बोलने में काफी परेशानी होती होगी या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मेरा बेबी मेरा बेटा हसबेंड जरूर उर्दू बोलते हैं। ओ अच्छा अच्छा, वैसे हमें इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जो मेरी बीवी है ना जी वो खालस सियालकोटन है। लोग तो जी वहां से हाकियां मंगाते हैं, हमने वहां से बीवी मंगवा ली है। जब हमने कोई प्यार की बात करनी होती तो पंजाबी में करते हैं और जब कोई संजीदा बात होती है तो उर्दू में चालू हो जाते हैं और जब कोई गुस्से की बात हो तो अंग्रेजी शुरू, और जब और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो फिर मतलब समझते हैं ना जी, फिर पंजाबी शुरू। शुरू शुरू में मेरी यहाँ पे एक कल्टीन थी, अब मैं घोड़े पालता हूँ और घोड़े बेचकर सो जाता हूँ। आप कोई टैप टूप करते हैं? मैं जानवरों की खालें अमेरिका एक्सपोर्ट करता हूँ। खाने बेचते हो? फिर तो तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम किनिया में रहते हो। यहाँ पर हाथी दंत शेरों की चीतों की हिरनों की खले आम लग जाती है। लो जी अगर तुम होते पंजाब में और यही खले बेचने का कारोबार करते, ओहो वहां तुमको लबनी थी मरी हुई मजों की खले, तो नक तुम्हारा बोझ से पाट जाना था। बस एक बात है, खले खुले खेचने वाला इंसान किसी का दोस्त तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि तुम्हारी भी मेरी तरह जड़े पाकिस्तान में है इसलिए मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। लो जी पता नहीं क्या हुआ है लेकिन कुछ हो जरूर गया है।
कॉन्ग्रेचुलेशन एरिज। ओ की जमीन बीबी, बेटी आई है। लो बेटा, तुम्हारी बहन आ गई। मुबारक हो, तुम तीन से चार हो गए, लेकिन हम अभी तीन के तीन हैं। मुझे दो ना समझना, हमारा एक बेटा भी है। एलिस, अब कैसी हो? ठीक हूँ। ईरज, आपको बेटे की उम्मीद तो नहीं थी? ये भी मेरी मिल्कियत है। क्या कर रहे हैं? हमारे खानदान में जो बच्चा भी आता है, हम उसकी आंखों से हीरा लगाते हैं। इससे उसकी आंखों में हीरे की चमक भी आती है और पहचान भी। एलिस, सफर कर सकोगी? मिस्टर एरिज, अभी ये सफर के काबिल नहीं। आज रात यही रहे, कल चले जाएं। मैं आपकी सोने का इंतजाम कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, छोटा सा घर है, आपको तकलीफ होगी। मेरी गाड़ी एयर कंडीशन है, मैं और मेरा बेटा रात वहीं गुजार लेंगे। चले बेटा। शुक्रिया। मामा, मैं उस गुड़िया से प्यार कर लूं? ये मेरा बेटा है यूसुफ, बहुत प्यारा बच्चा है। आंटी, मैं इस गुड़िया से प्यार कर लूं? हाँ, कर लो बेटा। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, जा बाथरूम में। कितनी प्यारी है। मैं पहले एक गिलास दूध पी लो, फिर नाश्ता करना। आपको हमारे लिए बहुत तकलीफ करना पड़ी। तकलीफ मेहमान के आने से नहीं, जाने से होती है, और आप तो आज ही जा रही हैं। इरेज, इसे कहते हैं केला। केले केले पे मोहर होती है। ये तुमने खाने थे, इसलिए किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई। मेरे घर में काफी जगह थी, तुम तो खामखा गाड़ी में पड़े रहे। मैं
एयर कंडीशन के बगैर सो नहीं सकता। पता है मुझे एयर कंडीशन में क्या लगता है? क्यों लगता है जैसे कोल्ड स्टोरेज में कोई आलू गोभी भिंडी तोरी पड़ी हो या फ्रिज में कोई सालन का डोंगा पड़ा हो। आप चुप नहीं रह सकते? बीवी कोई बात कहने को दिल चाहे तो जो शख्स चुप रहता है वो या तो डिप्लोमेट है या मुनाफिक है। क्यों भाभी मेरी बात का बुरा मत बनाइए। मैं मुंह को छिक्का चढ़ाकर नहीं बैठ सकता, हंसता रहता हूँ इसलिए सेहतमंद, ये कुर्ती रहती है इसलिए चमूड़ी है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। शुक्रिया भाभी। बीवी वो साडा शहजादा चार्ल्स के थे। यूसुफ पागल का पुत्र मैं कहता हूँ रुक जाओ नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। हिरज हिरन का बच्चा नहीं इंसान का बच्चा है, मेरा बच्चा है। तू वाले उंगली काट मैं तेरी खाल ला दिया था। रुक जा बेटा यूसुफ बच्ची वापस कर दे बेटा। बेटा वापस कर दो शाबाश। नीली आंखों वाली गुड़िया चाहिए मुझे, नीली आंखों वाली गुड़िया चाहिए। कैंची दिया बच्चा कपड़े नीला कर देते हैं, ये लो पकड़ो नीली आंखों वाली गुड़िया। मुझे नीली आंखों वाली गुड़िया चाहिए। पकड़ो टांग में लूंगा। नहीं जो चली गई वो। अरे पागल से पुत्र अजय उस बचुंगड़ी ने अखा खोली है, नहीं तो तू नहीं अखा नीलिया कितों देख लिया। क्या है बोल रही है बोल चूहे तो बच्चे उंगल मारके ले गया तेरा। की होया है मामा मामा? और बीवी ए साडे घर मिर्जा मजनू रांझा कट्ठे होके जम पे नी, इनू हुणे तो पट्टा पा के रख, वड्डा होएगा तो पता नहीं की चन चढ़ाएगा, किनिया किनिया कन्ना टपेगा, कितों कितों उलामे ले आएगा। तौबा 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 की अजकल दी जनरेशन है, की अजकल दे बाल ने। जदों इह वड्डा होवेगा पता नहीं होवांगी कि नहीं, पर मेरी ये दुआ है जदों इह वड्डा होवे इह नीलियां अखां इहनू मिल जा। शाबाश की मां है ते की मां दी दुआ है अख नीलियां अखां वाली। फिर Oh,
माना अब तक मैंने जिन आँखों तुम्हा तेरी खुशबू साथ रही मैं सारी दुनिया घूमा भूल सकाना अब तक मैंने जिन आँखों को चूमा तेरी खुशबू साथ रही मैं सारी दुनिया घूमा लगा दी। अरे बाबा देर मैंने नहीं इसने लगाई है। उत्सव खाना नहीं खाना है, हमने यहाँ का प्रोग्राम बदल दिया है। चलो जैपनीज खाना खाने चलते हैं। किसे देख रही हो, किसी को साथ ले जाना है क्या? ये किसे साथ ले जाएगी, चलो जल्दी बैठो। अरे मुझे केवीपी 800 गड्डी दे मालक दा पता करना चाहना। यस सर। फैलर विच किनियां दे सारे मालकां दे गड्डियां दे नंबर पैने।
दुर्बान के हाथ में तो बंदूक है, लड़की का पूछा तो जान की खैर नहीं, रुकना तो है। ड्राइवर, गाड़ी को पाया, पल्ले का गैरेज। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। नहीं नहीं, की गई। क्या? उसकी गाड़ी भी यही खराब हुई थी। किसकी? था एक, मुझे फांसना चाहता था। अब कहाँ है? जेल में। जेल में? तुमने भेजा? नहीं, मेरे भाई ने, वो दिल फेंक था। मुझे भी ऐसे ही समझती हो? नहीं, मगर मेरा भाई तुमसे वैसा ही सलूक कर सकता है। यहाँ से चले जाओ। बाय। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? तू नहीं भैया? एनी प्रॉब्लम? नो नो प्रॉब्लम। गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी, आने में देर हो गई। जब धमाके की आवाज सुनी, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि तुम इसी अस्पताल में आओगे। घर के करीब है ना? जब तुमने प्यार का इशारा किया, मेरी आंखों के सामने फूल ही फूल खिल गए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या टूट गई? नहीं, जख्मी हुई है। थैंक गॉड। वो बेचारा बदनसीब था। वो कौन?
जो तुमसे पहले यहाँ आया था। एक जेल गया, दूसरा यहाँ आया। मुझसे पहले कितने थे? बस दो। दूसरा आप कहाँ है? ऊपर वाली मंजिल में, उससे भी ऊपर। वो बेचारा मर गया। जन्नत नसीब हो, तुमने उसे भी मेरी तरह? नहीं, उसने सिर्फ मेरी एक झलक ही देखी थी। तुम उसके लिए भी अस्पताल आई थी? मैं क्यों आती? मेरे लिए क्यों आई हो? तुम तो मेरे दोस्त हो। थैंक यू लला, आई लव यू। मुझे घर जाना चाहिए, मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। लला, कमिंग। जी भैया। माम और डैड का तार आया है। कब आ रहे हैं? एक हफ्ते बाद। मैं स्क्वाश चैंपियनशिप के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हें स्क्वाश खेलते देखना अच्छा तो लगता है, मगर कैसे जा सकती हूँ? मेरे स्कूल है ना। ए लला, यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम तो यही हो? यहाँ मेरा जिस्म है, तू कहीं और है। किसके पास? यूसुफ, मेरे महबूब के पास। हे लला, इज इन लव। ये फ्लाइंग क्लब है, आओ मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाता हूँ और फिर परमिशन लेके आसमानों की सैर कराता हूँ। चलो। This is the airport, flight number 5.7, over. Hello, John. Hello. Where is the boss? Outside. Thank you. Abu Abiski, cleared. Good afternoon, sir. आओ आओ, मम्मी सोच रही थी कितने गया मेरा शागिर्द यूसुफ। सर ये मेरी दोस्त है लैला। बल्ले बल्ले, आजकल ए जाने चढ़े आपकी जिंदगी। सर ये मेरे साथ जहाज में उड़ना चाहती है। वही है, उड़ना चाहती है या इनू जहाज तू उड़ाना चाहना? सर ख्वाहिश तो मेरी थी। तुमने क्लब रूल्स नहीं पढ़े ते अंदर जाकर रीड कर। ट्रेनिंग के दौरान पायलट नु ऊपर जवान कीड़ी ले जान की इजाजत नहीं, और तू जवान कुड़ी नाल ले जानी चाहना? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ। ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ, ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ 400 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਜਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਕੀ ਮਗਰ, 10 ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੇ। ਕਾਕੂ ਮਾਪੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ। ਨੋ, ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ, ਯੇ ਤੁਮ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਪਾਇਲਟ ਬਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਹਾਥ ਛੋੜਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਸਿਰਫ 400 ਘੰਟੇ ਕੇ ਲੀਏ। तुम 400 घंटे की बात करती हो, मैं तो तुम्हारे बगैर एक सांस नहीं ले सकता। ए, ऊपर जाओ तो साया कहाँ होता है? नीचे। मैं नीचे साया बनकर तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम पायलट बनो, ये तुम्हारी डैड की ख्वाहिश है। प्यार इसलिए बदनाम है कि इसमें डूबकर लोग माँ बाप की ख्वाहिश भूल जाते हैं। आज डैड की ख्वाहिश भूले, कल मुझे भूल जाओगे। नहीं लैला, इस जिंदगी में मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? ओके ओके, बनूंगा।
कैसे फासले ये कैसी दूरियां, ये कैसे फासले ये कैसी दूरियां, ये कैसा प्यार है मेरे सनम। खोई हुई मंजिल की तरह मिलन के साथ जुदाई के दिन आते जाते रहते हैं, दूर भी रह कर दिल में रहना प्यार से तो कहते हैं। तू सामने रहे और मैं न मिल सकूं, ये कैसा प्यार है मेरे सनम। Thank you.
मैं कोर्स पूरा करके पायलट बन गया। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। सिर्फ मेरी नहीं, जैद की भी। ये खुशखबरी उन्हें सुनाने नहीं जाओगे? क्यों नहीं, तुम भी साथ चलो ना। मैं? हाँ। जैद ने पूछा तो क्या बताओगे? मैं कौन हूँ? मैं कहूंगा ये वो है जैद जिसके बगैर मैं कुछ नहीं था और अब सब कुछ हूँ। औलाद को कहीं रखते हैं तो उन पर नजर भी रखते हैं। मुझको तुम्हारे एक एक मिनट की खबर है। बात सुनो, ये तुम्हारी बायोग्राफी में लड़की कहां से आ गई? कौन है, कैसी है? तुम्हें वड्डा होगा पता नहीं होवगी कि नहीं, पर मेरी ये दुआ है जो तुम्हें वड्डा होवे ए नीली अखा इन मिल जा। कहां खो गए डैड? वो जरा मुझे रिवर्स गियर लग गया था। पैजा करा देती हो। आजा पुत्र, आजा कोठे तो थले आजा। छाल मार शाबाश। ए शाबाश, की ना है पुत्र तेरा? लैला। लैला ताइए मेरे पुत्र नु मजनू बनाते हैं। प्यो दा की ना है? फादर नेम? फादर मिस्टर ईरज। ओ वेरी गुड ईरज। Saran, madam, welcome. Coming home. Santa Sana. How are you here? Okay, sir. And where is Imran? In Singapore. And where is Laila? She's out. Oh. We'll see. Come on, let's go. Jambo. अब कब? कल। कहाँ? पाम ट्री। ओके। बाय बाय बाय। क्या हुआ? कल तक की जुदाई से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहता था। आई लाइक दिस। तुम्हारा ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। बाय बाय। Thank you.
Lila! Lila! Come here! Oh, Dad! Why, baby? Oh, Dad. You are naughty girl. Mama! मैं नाराज हूँ आप दोनों से। आपने इतने दिन लगा दिए। तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए तोहफे की तलाश थी। ओ, लाइए। लीजिए। ओ, ब्यूटीफुल। लेकिन डैड, आप हर बार डायमंड ही क्यों लाते हैं? ये तुम्हारे बाप का कमजोरी है। डायमंड सोसाइटी में इंसान का वकार बढ़ाता है बेटी। बट डैड, मेरी एक दोस्त कहती है ये मौत का बायस भी बनता है। मत सुना करो ऐसी अहमकाना बातें। ईरिज, हम 15 दिन के बाद लैला को देख रहे हैं। ये कुछ मोटी नहीं हो गई? फिर चॉकलेट खाने शुरू कर दिए होंगे। क्यों लैला? मैंने चॉकलेट्स नहीं खाए मामा, ये कुछ और ही चक्कर है। चक्कर? हाँ। लैला, यस मामा। मेरे पीछे क्या चक्कर चला? छुपाओ नहीं, बोलो लैला। पहले मेरी बर्थडे के बारे में बताओ मामा। कल 16वां है और हम मना रहे हैं। ओ नो मामा, मैं दुनिया में अपने पहले दिन के बारे में सुनना चाहती हूँ। ओहो, उस दिन तुमने मुझको बहुत सताया था। मैं जिस घर में पैदा हुई, शायद माँ भी थी। यस। और एक लड़का भी। बहुत प्यारा बच्चा था। उसने मेरी आंखों को। किसने बताया तुमको? यूसुफ के डैड ने। वो मुझे उनसे मिलाने घर ले गया। यूसुफ बहुत अच्छा है मामा, लेकिन तुम्हारा बाप आज भी वैसा ही है, एक इंच नहीं बदला। आप डैड को बदल सकती हैं। आप मेरी माँ हैं। आई लव हिम, आई लव हिम। ओ चाइल्ड, नो, तुम मेरी बर्थडे पे नहीं आओगे? मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। मानता हूँ इतनी जगह तुम्हारे दिल में और इतनी सी तुम्हारी मामा के दिल में पैदा हुई, मगर क्या अपने बाप और अपने भाई के सामने कह सकोगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? आज नहीं तो कल सबके सामने कहना ही होगा तुम मेरे हो। दूर रहकर इस एहसास की आग में जलूंगा, लेकिन पार्टी में नहीं आऊंगा। ओके, तुम तुमसे किस काम नहीं आए तो तुमसे कुट्टी कुट्टी कुट्टी। Hey, Sarah, listen to me. Thank you.
गैदरिंग अच्छी थी। हाँ, लोग हमारे यहाँ आने में अपनी इज्जत समझते हैं। लैला का बर्थडे गीत तुमने सुना? हाँ, सुना। हमें लैला की शादी का सोचना चाहिए। एक अमेरिकन अरबपति का बेटा है मेरी नजर में। लैला के हाथ में मंगनी की अंगूठी देखने के लिए मुझे वाशिंगटन जाना पड़ेगा। वाशिंगटन क्यों, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ ऐसा कौन है? पार्टी में एक बहुत खूबसूरत एशियन लड़का आया था, तुमने देखा? खूबसूरती औरतों की और मर्दों की जेब देखी जाती है। जानते हो वो लड़का कौन है? कौन है? जो बचपन में लैला को उठा के भागा था। क्यों गई? आप मेरे बेडरूम में कभी आए जो नहीं? जानती हो क्यों आया हूं? ये पूछने कि वो पार्टी में क्यों आया था। हाँ, वो क्यों आया था पार्टी में? मामा ने आपको बताया होगा। हाँ, उस बेवकूफ औरत ने कुछ कहा था मुझसे। लैला, मैंने तुम्हें हीरों की चकाचौंध में देखना सिखाया। तुम ठोकरों में आने वाले पत्थर को उठाकर अपने लॉकेट में सजा लो। ये सोसाइटी में मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। तुम्हारी अब तक उससे होने वाली मुलाकातों को मैं तुम्हारी नादानी के खाते में डालता हूँ। वादा करो आइंदा तुम उससे नहीं मिलोगी। सॉरी डैड। शट अप! वादा करो तुम उससे नहीं मिलोगी। नहीं, झूठा वादा नहीं।
तुम्हें वादा करना होगा। मैं ये वादा नहीं कर सकती। वादा करो। इरेज। अब तुम्हारे आसपास उसका साया भी दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या क्या हो रहा है इरेज? हटो। व्हाट हैपेंड? ओ मामा। रात भर अय्याशी करने और दिन में बाप की दौलत उड़ाने के सिवा तुझे कोई काम नहीं। दौलत मैं अपने बाप की लुटाता हूँ, आपके बाप की नहीं। कुछ खबर है क्या हो रहा है घर में? मैं इस घर का दरबान नहीं, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। जानता है एक छोकरा लैला से मोहब्बत करता है। क्वाइट नेचुरल, मोहब्बत इंसान ही करते हैं। वो उससे शादी करेगा। और शादी भी इंसान ही करते हैं। यू डल हेडेड, वो किसी बड़े आदमी का बेटा होता तो मुझे कोई एतराज ना होता। कुछ लेकर आता, कोई मामूली घोड़े बेचने वाले की औलाद है। हमारे खानदान में घुस गया तो बहुत कुछ लेकर आएगा। इम्पॉसिबल। हेलो नानी नसीमा। लैला को युभानी? वो तो अनलीजा लैला। यस। हाय हनी। मैं माँ हूँ। आई एम सॉरी मामा, आई एम वेरी सॉरी। क्यों फोन किया? जी वो लैला आने वाली थी। इस वक्त कहाँ हो? जी थॉन्ट्री। वहाँ मेरा बेटा भी आता है, तुम गोल्फ क्लब में इंतजार करो। थैंक यू मामा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मामा आप जाम्बो? जाम्बो हदारी मजूरी। जी मामा वो लैला वो घर में नजरबंद है। जी उसका बाप ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया है। क्यों? उसके बाप को पता चला तुम दोनों का अफेयर चलता है, रात बाप ने लैला को बहुत मारा। लैला जज्बाती मत बनो, बैठो बैठो बैठो। मैं तुमको कैसी लगती हूँ? मेरी माँ जैसी। फिर तुम मेरी बात मानोगे? एक माँ लैला से ना मिलो। लैला से ना मिलूं? आप चाहती हैं इस अंधेरी दुनिया में अंधा बनके फिरूं? सॉरी मामा, मैं ये पत्थर दिल पर नहीं रख सकता। जो दिल पे पत्थर नहीं रख सकता उसको दुनिया पत्थर मारती है। मुझे संसार होना मंजूर है मगर वो जिंदगी मंजूर नहीं जिसमें लैला ना हो। तुमने मुझको माँ कहा तो प्रॉमिस करो एक माँ के लिए लैला को नहीं मिलोगे। प्रॉमिस प्रॉमिस माय सन प्रॉमिस। ओके 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 आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस। ये सब वादा कर सकता है मैं नहीं। लैला सिर्फ एक महीना इंतजार करना है। एक महीना क्यों मामा? एक महीने बाद ईद है। ईद को ईरज मुझको मेरी पसंद का तोहफा देगा। वो पूछेगा तुमको क्या तोहफा चाहिए? मैं बोलूंगी मुझको लैला की खुशी दे दो। लेकिन मामा ये वक्त कैसे कटेगा? आप नहीं जानती तन्हाई उसको पागल कर देगी।
तू की आजादी की जंग लड़न दिया है? मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। पुत्र तू को बखरी गलती भी की थी, तेरी उम्र के सारे हो जी हमारत कर दे। मेरी मोहब्बत औरों जैसी नहीं, इसमें गहराई है। तू की मच्छी नलिश कर रहे? कमिटमेंट है, मैं लड़क से शादी करना चाहता हूँ। पुत्र खतरे की घंटी तो तू बचपन ही बजा देती सी, जे तू तो बगैर नहीं रह सकता तो सिर से पग बन, गल च तीर कमान पा, घोड़ी तो बहो, बन मिर्जा जा चुक लिया जा। वापस आ गए? मिर्जे की अखीर याद आ गई? नहीं, फादा याद आ गया। जे तू वापस ना आता तो मैं तेन इन्ने छित्र मारने सन, इन्ने छित्र मारने सन कि तेरा मुंह कैची चप्पल लड़का हो जाना। देखो बेटे, वो इंसान इंसान नहीं है जिसे वादे का पास ना हो। मैंने इश्क तो नहीं किया लेकिन लोगों को करते जरूर देखा है। अगर प्यार दूर हो तो दिन क्यामत के दिन जितना लंबा, और अगर पास हो तो रात दो करवटों में कट जाती है। तुम्हें एक महीना गुजारना है, रो कर गुजारो, सो कर गुजारो, या इसी तरह मुंह धोकर गुजारो। कहेंगे ओ मामा कितनी बात जरूर, ऐसे दिल से ओ मामा मरना है मंजूर। मैं कहीं तू कहीं ये नहीं है जिंदगी, मैं कहीं तू कहीं ये नहीं है जिंदगी। दो दिल हो गए ओ मामा मिलने से मजबूर, कैसे रहेंगे ओ मामा एक दूसरे से दूर। तुझसे कहेंगे ओ मामा कितनी बात जरूर, ऐसे दिल से ओ मामा मरना है मंजूर। मैं कहीं तू कहीं ये नहीं है जिंदगी, मैं कहीं तू कहीं ये नहीं है जिंदगी। किसी दुश्मन पर आए ना एक दिन ऐसा, अल्लाह किसी दुश्मन पर आए ना एक दिन ऐसा। हमको जुदाई ने मार दिया, मैं कहीं तू कहीं ये नहीं है जिंदगी, मैं कहीं तू कहीं ये नहीं है जिंदगी। जाने लोग बिछड़ के रहते हैं दुनिया।
दुनिया में कैसे कहते हैं आग आंसू मुश्किल है जीना ऐसे कहते हैं आग के आंसू मुश्किल है जीना ऐसे कहीं तो कहीं ये नहीं है जिंदगी कहीं तो कहीं ये नहीं है जिंदगी दो दिल हो गए मामा मिलने से मजबूर कैसे रहेंगे ओ मामा एक दूसरे से दूर तुझसे कहेंगे ओ मामा कितनी बात जरूर ऐसे दिल से ओ मामा मरना है मंजूर मैं कहीं तो कहीं याद किया मुझे आने पर मजबूर कर दिया मेरी लैला वो तो नजर बंद है मैं तुम्हें उसकी हालत बताने आई हूँ वो तुम्हें याद करके बहुत रोती है किसकी बात कर रही हो लैला की तन्हाई के शहर से उसका बदन नीला पड़ चुका है लैला तो मेरे पास है मेरी बाहों में मैं लैला नहीं उसकी बेचैन रूह है मोहब्बत की आंख से टपका हुआ आंसू हूँ लैला ये दूरी मुझे खत्म कर देगी ये आग मुझे जला देगी कमरे में चोर है आज उस लुटेरे के साथ मैं लैला को भी खत्म करूंगा मैं कहता हूं छोड़ दो इस घर में नहीं बैठेगा लैला के कमरे में नहीं जाएगा क्या मतलब है इस घर में जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मर्जी से है हटो इमरान दरवाजा खोलो इमरान
मैं दरवाजा खोल देता हूँ। मैं कहता दरवाजा खोलो। मैं छोड़कर नहीं जा सकता। जा रहे तो मारे जाओगे। तुम न मिले तभी तो मर जाऊंगा। ओह चले जाओ। I won't. You won't. लैला, मैं कहता दरवाजा खोलो। लैला दरवाजा खोलो। पैगाम मिल गया था। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं पुस्तिल नहीं मर्द का बच्चा हूं। मर्द का बच्चा है तो रात भागा क्यों था? भागा कहां था, मैं तो वही था कमरे में। अल्लाह का पीछा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। वो मेरी बिनाई है, बदन की कुवत है, जीने का मकसद है। अपने दस्ते के नशा उतार दे। क्या था उसे भूल जा। मान जिसे तुम समझते हो कि लैला भूल गई, वो तो आंखों से मेरे दिल में उतर गई। वो तो बदन से मेरी रूह में शामिल हो गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी मार मैंने इसलिए खाई है कि तू लैला का भाई है। अब ये राउंड मेरा है। अगर तू डब्बे का नहीं अपनी मां का पिया है तो भागना नहीं। पूछा नहीं कि रात भर में कहा था? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्को में नहीं, हॉस्पिटल में था। और ये चोटें जो मुझे आई हैं, ये किसी हादसे में नहीं, मैंने यूसुफ का गिरफ्तार पकड़ा था। मैंने उसे कहा कि चोरों की तरह घर मत आओ, शरीफों की तरह रिश्ता मांगो और लैला से शादी कर लो। जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा क्या मैं हर उस लड़की से शादी कर लूं जिसके साथ मैंने एक रात भी गुजारी है। उसने मामा को तुम्हारी मोहब्बत की तंग कहा। उसने कहा तुम्हारा बाप ऐसे ही दौलतमंद नहीं बना, वो स्मगलर है। उसने कहा और तुम सुनते रहे? मैंने उसे खेल के थप्पड़ मारा। वो मौके की तलाश में था, मुझ पर टूट पड़ा। मैं चाहता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बात पुलिस तक पहुंचती
लैला का नाम आता, नारा भी चांद की पंच पर चौड़ी बन जाती और लैला बदनाम हो जाती। वेट, अगर उसने ये कहा तो मैं उसका सर तोड़ दूंगी। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे साथ सोई थी, मेरा बाप स्मगलर है, मेरी माँ हमारी मोहब्बत की टाउट है। तुम्हारे भाई ने कहा तुम मोहब्बत में कोई बॉन्ड नहीं लिखा जाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, एक दूसरे पर भरोसा किया जाता है, मगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम्हारे भाई ने कहा तुमने मान लिया, ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप को जलील करने का मकसद अपने बाप को जलील करना है, तुम्हारी माँ को गाली देना। हमारे दिल के रिश्ते में दरार पड़ गई है लैला, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम बेवकूफ बेदमाग बेकार हो। ये सब ना होती तो मैं तुमसे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत करोगी? मरने के बाद भी तुमसे मोहब्बत करूंगी। ओके। अब भी मुझसे मोहब्बत करोगी? मेरी रूह भी तुमसे मोहब्बत करेगी। मुझ पर एतमाद नहीं और मोहब्बत भी करती हो? अब किसी की बातों में आई तो जान से मार डालूंगा। मारे और मार सजना, मारे और मार सजना, तुझ पे कहे प्यार सजना, चाहे मेरी जान जाए, मेरा कच्चा मेरा सारा सोना सोना लियो सजना, मार और मार सजना, तुझ पे कहे प्यार सजना, चाहे मेरी जान जाए, तेरा कितना मेरा सोना 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 लियो सजना। तुझ पर किया तो जरूर था, मैंने शक तुझ पर किया तो जरूर था, कर दे मुआफ मुझे हो, कर दे मुआफ मुझे, मेरा ही कसूर था। दुनिया कहे कुछ भी कहे, दुनिया की पीछे मेरा सोना ओ सोना ओ सोना लियो लगना, मार और मार सजना, तुझसे कहे प्यार सजना, चाहे मेरी जान जाए, मेरा पीछा मेरा सोना ओ सोना ओ सोना लियो लगना। Thank you.
जब ठीक होगा मूड सरकार का, वो जाने कब ठीक होगा मूड सरकार का। देखो जी दीप जला हो, देखो जी दीप जला मौसम बहार का। दूर रहे खुद भी जले कुछ सब तू, अब तू अब तू लियो लगना मारे और मार सजना। चाहे मेरी जान जाए मेरा पीछा मेरा सारा असला आजकल की मोहब्बत, कॉफी शॉप की एक मुलाकात, मंबासा तक की एक ड्राइव और किसी फिल्म के शो के बाद खत्म हो जाती है, मगर मैंने ये हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ा है, दुनिया को बताने के लिए कि ये मेरा है। मैं कल ही तुम्हारे डैड से बात करूंगा। Good morning, miss. Good morning. Is Mr. Dheeraj inside? Yes. I want to see him. Do you have an appointment? No. Then make an appointment first. Let him in, Nida. You may go in, please. Thank you. Good morning, sir. Real good morning. मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। आपने मुझे याद किया, ये तो मेरी खुशनसीबी है। खुश नसीबी नहीं, बदनसीबी कहो। मेरा कसूर सर? अपने औकात पर नजर डालो। लैला को सीढ़ी बनाकर मेरी दौलत तक पहुंचना चाहते हो? यू फॉर्चून हंटर, मुझे बताओ लैला का पीछा छोड़ने के लिए तुम्हें कितना रुपया चाहिए? मैं बिजनेस नहीं समझता सर, मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ। मैं स्टैम्प पेपर पे दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस दुनिया में लैला के सिवा कुछ नहीं चाहिए सर। मेरा बाप भी फकीर नहीं है, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। I don't want to see that rascal. No, sir. आप मेरे बाप को गाली नहीं दे सकते। किस बात का गुरूर है आपको? कितना पैसा है आपके पास? देखना चाहते हो कितना पैसा है मेरे पास? वेट वेट हियर, यू जस्ट वेट। मैं अज्ञानी लोगों की तरह कागज के टुकड़े जमा करने का आदी नहीं। ये एक छोटा सा हीरा है, इससे मैं तुम्हारे बाप की सारी जायदाद खरीद कर तुम्हारे खानदान को सदियों तक गुलाम बनाकर रख सकता हूँ। वो आंख जो तुमने गुर्बत की आगोश में खोली है, उससे तुम इन हीरों को नहीं परख सकते। ये 100 के नहीं, 1000 के नहीं, 1,00,000 के नहीं, हीरों के बाजार में इनकी कीमत करोड़ों से भी ऊंची है। Stop him! Stop him! What happened, sir? What happened? Thank you.
तख्त में चले जिन पर बैठकर इंसाफ का खून किया गया, यही है बादशाहों के ताज में सजे जिन्हें पहनकर हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया गया। इन हीरो को अरे तू इतना क्या करेगा, मैं इन्हें समुंदर की तह में खर्च कर दूंगा। अरे तू इनकी कदर कीमत नहीं जानता, इन्हें वापस कर दे। अरे ये मेरी जिंदगी है, इनके बगैर मैं जिंदा हूँ, मेरा बाप जिंदा है, हीरे उनके पास नहीं, इसके बावजूद इस दुनिया के हजारों गरीब जिंदा है। खुदा ने इंसान को जिंदा रखने के लिए इलाज पैदा किया है, ये हीरे नहीं। मेरे हीरे, मेरी जिंदगी, उधर मत जाइए, तुम उधर बहुत गहरे आप डूब जाएंगे। रोती क्यों हो? ये एहसान हमारे खानदान पे तुम्हारे आशिक ने किया है। ओह यूसुफ, ये तुमने क्या किया? आई डोंट लाइक दिस मैडनेस, ये प्यार नहीं दीवानगी है। तुम आजकल के लड़के कभी कभी अपनी मोहब्बत को जिंदगी देने के लिए माँ बाप को मौत के किनारे पहुंचा देते हो। मैंने तुम्हें माँ की गोद में, मादरे तालीम की गोद में ट्रॉफियां कप जीतते हुए खेल के मैदान में देखा था, नहीं देखा था तो जेल की कोठरी में सर झुकाए नहीं देखा था, तो आज तुमने वो भी दिखा दिया। हीरे समुद्र में फेंके गए, ये अंजाम है, और अंजाम तक आने से पहले देखना चाहिए कि उसका आगाज क्या है। वो सही हीरो को इंसान से बड़ी चीज समझता था, उसे उनकी ताकत का गुरूर था, और इसी गुरूर के नशे में उसने मेरे बाप को गाली दी। जानते हैं उसने क्या कहा? हरामखोर, शट अप! बुड्ढे, तूने मेरा खून बहाकर यह साबित कर दिया है कि गाली का रद्द अमल कितना शदीद होता है। तूने मेरे बेटे को गाली दी थी ना, वो जवान है, उसका खून तेरे खून से ज्यादा गर्म है। उसने तेरे वो कांच के टुकड़े पानी में फेंक दिए। उन्हें कांच के टुकड़े कहते हो गरीब? वो हीरे थे, हीरे। उनके बस मेरा हीरो जैसा बेटा ले लो, वो 7 दिन से पुलिस की हिरासत में है, अपना केस वापस ले लो, उसे अपना दामाद बना लो। मैं और तुम जैसे कंगाल से रिश्ता जोड़ू, यह मेरी तौहीन है। हीरेज, अगर तेरे पास चंद सिक्के मुझसे ज्यादा है तो अकड़ता किस बात पे है? अरे बेची तो तूने खा ली है ना, दौलत का गुरूर मत कर, खुदा का शुक्र अदा कर। मुझे अपना बाजू बना ले, मैं तेरे काम आऊंगा। किसी के बाजुओं की ताकत खींच कर मुझे ऊपर तक नहीं लाई। मेरे पास जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, मेरी मेहनत का फल है। नाउ गेट आउट, अब बात अदालत में होगी। इस मुकदमे में गवाहों के बयानात और वकीलों की बहस के दौरान मुलजिम को एक ना समझ नौजवान, एक बेवकूफ आशिक साबित करने पर जोर दिया गया, लेकिन अदालत मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट को ज्यादा मोतबर मानती है। एक पागल को छोड़ने का मतलब सोसाइटी पर जुल्म करना है, लिहाजा अदालत मुलजिम को पागल करार देकर पागल खाने भेजने का हुक्म देती है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मेरा बेटा पागल नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है।
केस बनाया गया। आपके बेटे को पागल साबित करने के लिए मेडिकल ऑफिसर को इन्फ्लुएंस किया गया है। आप ठीक कहते हैं वकील साहब, यकीनन किसी मेज के नीचे लेन देन हुआ है। आप दोनों मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, आपका ईरज से समझौता भी तो हो सकता है। आप ईरज को नहीं जानते हैं, उसकी आंखों में सूअर का बाल है। ये उन लोगों में से है जो पाकिस्तान से बाहर आकर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म महसूस करते हैं, मुंह में सिगार ठोसकर मुंह बिगाड़ कर अंग्रेजी बोलते हैं, किसी हबशी फ्रांसीसी अंग्रेज या अमरीकी की दोस्ती पर नाज करते हैं। हम यहां आकर बहुत कुछ बन गए हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम अपने पीछे दर्जियों की दुकानें, सब्जियों की दुकानें और कुलचों के तनूर छोड़कर आए हैं, जहां से हमने जिंदगी का पहला पैसा कमाया था। अपनों से मिलकर अपना माजी याद आता है, जिसे कुछ लोग भूलना चाहते हैं। वकील साहब, आप केस रीओपन कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। साबित ये करना है कि मेरा बेटा पागल नहीं है। इसे पत्थर से ना मारो, ये पागल नहीं, मेरा दीवाना है। Let me go! मैं पागल नहीं हूँ, Let me go! Let me go! मैं पागल नहीं हूँ, Leave me alone! लैला, खाने की तन्हाई में मैं सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देख सकता हूँ। तुमने कभी महसूस किया कि मैं याद आऊं तो तुम्हारी सांस मेरी खुशबू से महक जाए? मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे भूलो नहीं, मुझे खत लिखो, इस तरह मत रहो जैसे मैं दुनिया में हूं ही नहीं। मैं जिंदा हूं और तुम्हारा खत चूमने के लिए बेकरार हूं। मेरा कोई खत आया? नहीं। जरा इसे पोस्ट कर देना। मेरा खत वापस करो, मैं कहता हूं मेरा खत वापस करो। तुम्हारा खत भेजने की हमें कानून इजाजत नहीं देता। मैं जानता था खत मंजिल तक नहीं पहुंचते, फाड़ दिए जाते हैं, मगर फिर भी सुमित पर लिखता रहा कि शायद किसी दिन तुम कानून का ही दिल का कहा मान लो, मगर तुम्हारे सीने में दिल नहीं। You are heartless, heartless, heartless. I'll kill you. I'll kill you. Leave me alone. I'll kill her. Yusuf, your father have come to see you. Yusuf,
मुझे यहां से ले चलो डैड, मैं पागल हो जाऊंगा, खो जाऊंगा, मर जाऊंगा। बेटे अल्लाह ना करे, बेटे वकील साहब ने अदालत में साबित कर दिया है कि मेरा बेटा पागल नहीं है। मैं तुम्हारी रिहाई कार्ड ले आया हूं बेटे, ले आया हूं। मेरा बेटा नहाएगा ठंडे पानी से नहाएगा, मेरा बेटा नहाएगा, मेरा बेटा ना ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा नहाएंगे, चुनी भी ठंडी हो गई है, मेरा बेटा नहाएगा। उस पागल छोकरे का बाप अपनी सारी पूंजी लुटाकर बेटे को पागल खाने से ले गया है। उसके वकील ने कानून के सामने साबित भी कर दिया है कि वो नॉर्मल है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो पागल है। लैला को मिलने के लिए इस मकान की दीवार जरूर फांदेगा। मैंने दरबान को इख्तियार दे दिया है कि अगर उसका साया भी इस घर के आसपास नजर आए तो वो उसे गोली से उड़ा दे। मैं जानता हूं तुम उसकी हमदर्द हो, जब तक मैं ताइवान में हूं। मेरे पीछे अगर वो इस घर में आया और मेरे इल्म में आया कि तुमने उसकी पुष्टपनाही की है, तो याद रखो तुम्हें इस घर में बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। सफर में कौन सा सूट केस ले जाओगे, छोटा या बड़ा? दो चार दिन का ट्रिप है, कोई भी ला दो। लैला कबलू वाला ला दूं? हाँ हाँ ठीक है, वही ला दो। तुमने हीरो को पानी में फेंका, लैला को बदनाम किया, अब यहाँ क्यों आया है? मेरी माँ नहीं है, मैं नहीं जानता माँ की मार क्या होती है। मुझे मारो माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए है। ओके ओके, जाओ जहाँ तुम्हारे वास्ते खतरा है। एलिस जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो गया है। मेरा शोर तुम्हारा दुश्मन है। आपकी बेटी मेरी जिंदगी है, वो कहाँ है माँ? एलिस, वो तुमको भूलने के वास्ते दूर चली गई है, उसको बेसकून मत करो, मत करो। मेरा सुकून भी उसके पास है, उसका पता बता दो माँ। नहीं, मैं पता लेके जाऊंगा। नहीं, को वी माय सन, जब तक लैला का पता नहीं बताऊंगी मैं उन्हीं कदमों में पड़ा रहूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर आ गया। डॉक्टर के पास जाओ और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ, समझे? और सुनो, घर में आराम करो, घर में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यहाँ लैला नाम की एक लड़की रहती है। क्या लगते हैं आप उनके, क्या काम है उनसे? जी काम तो कोई खास नहीं, वैसे मैं उनका करीबी रिश्तेदार हूँ। हेलो, आपके कोई रिश्तेदार आपसे मिलना चाहते हैं। गिव हिम द फोन। लीजिए। हाय लैला, मैं यूसुफ हूँ। मामा ने बताया था तुम यहाँ हो, बहुत दिनों के बाद तुमसे बात हो रही है, कैसी हो तुम? हाँ मम्मी डैडी, एवरीबॉडी इज ऑलराइट। ऊपर आऊँ? ऊपर बैठ के बातें करेंगे। ओके ओके, कमिंग, शी वांट्स मी अपस्टेयर्स। रूम नंबर 18। Thank you.
हो गया लैला, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। लैला, उसकी याद को अपने जहन से नोच कर फेंक दो। अगर तुमने उसे अपने दिल से ना निकाला और मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे कसम है अपने नाम, अपनी दौलत, अपनी इज्जत की, एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा, उसे गोली मार दूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्यों नाराज हो। मैंने जो कुछ किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। उस नादानी पे मैं बहुत रोया हूँ, बहुत पछताया हूँ। अब तो कोर्ट ने भी मुझे माफ कर दिया है। तुम तो मेरी मोहब्बत हो, मुझे माफ कर दो लैला। लैला, मैं तुम्हारे बगैर गर्दिश में सितारा हूँ, डूबता सूरज हूँ, ढलता साया हूँ। मुझे मिटने से बचा लो लैला, दरवाजा खोलो लैला, दरवाजा खोलो। लैला, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है। लैला, तुम इतनी बदल कैसे गई हो। लैला, प्लीज दरवाजा खोलो। लैला, प्लीज लैला, दरवाजा खोलो। ओए बिरा, तू बुआ घर का है। लैला, मैं तेरा की रिश्ता। लैला मेरी दोस्त है। और दोस्त है तो बुआ को भी खोल रही। अभी खुल जाता है। लैला, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो लैला। और तू साडी नींद हराम कर देती है। तुम अके क्यों ना इन्हो ये इसम की सेमो ये यत्यम तुम कम अकम। आयुब तो पुलिसिया। वो कह रही यहाँ पता पूंजा मगुया को। ओए ना तू कमार छोड़ दो। मोहब्बत मन कमरे में घुट के मर जाने का नाम नहीं लैला। बाहर आके मेरी मोहब्बत की गवाही दो लैला। बाहर आओ, बाहर आओ लैला। मैं कैसे बताऊं, मैं कितनी मजबूर हूँ, कितनी मजबूर हूँ, कितनी मजबूर हूँ। Thank you.
जानता हूं मैंने तुम्हारे खानदान को जबरदस्त माली नुकसान पहुंचाया। तुम्हारा बाप मरते मरते बचा, मेरी वजह से तुम्हें लोगों की हजार बातें सुनना पड़ी, तुम उनकी नसों भी नीची हुई। मुझे भला नहीं आ चली आई, मुझे बेरुखी की आग में जी भर के चलाओ, मुझसे नफरत करो। अगर मेरी वजह से तुम अपनी जान क्यों मुसीबत में डालती हो? अगर मैं तुम्हारे सलूक को लेकर बैठ जाता, तुम्हारा पीछा ना करता, तो जानती हो मुझे आज क्या दिन देखना पड़ता। अपनी नफरत की लौ को जितना जी चाहे ऊंचा कर लो, मगर तुम मुझसे मोहब्बत करने का हक नहीं छीन सकती। आई लव यू लैला, आई लव यू लैला। मैंने तुम्हें वार्न किया था, उसे तुम्हारे साथ देखूंगा तो गोली मार दूंगा। नहीं, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। लैला मेरी बात तो सुनो, लैला लैला मेरी बात तो सुनो। मेरा पीछा ना करना यूसुफ, तुम्हें मेरी कसम।
जाने कैसे न पागल बनूं मैं, खामोश है रात फिर भी आवाज तेरी सुनूं मैं। तू ही बता क्या करूं, दिल से भूला था तुमने, मुझसे कहा था ये क्यों। तू ही बता क्या करूं। था तुम जरूर आओगी। मैं कहने आई हूँ, यहाँ से चले जाओ। कहाँ? कहीं दूर। कितनी दूर? हजारों लाखों मील दूर, इस दुनिया से दूर। इतनी दूर जाकर भी तुम्हारे दिल से दूर जा सकूंगा? सांस की तरह आती हो और चली जाती हो, जिंदगी बनकर मेरे साथ रहो लैला। जैक को पता चला कि तुम मेरे पास हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं चाहती हूँ तुम कहीं रहो मगर जिंदा रहो। जिंदा रहूं तो किसके लिए, जीऊं तो कैसे जीऊं? जो चाहते हैं वो दुनिया में सबको नहीं मिलता। नहीं, जैसे मैंने चाहा उसे मैं पाकर रहूंगा, इस जमीन पे, इस जिंदगी में। अगर कोई रास्ते की दीवार बना तो उसे गिरा दूंगा। मेरा साथ तो लेला, आओ शादी कर ले। नहीं। अब जान देने की हिम्मत है, इनकार सुनने की नहीं। हाँ कहो लैला, हाँ कहो, हाँ कहो लैला, हाँ कहो। डैड की इजाजत के बगैर समाज की मर्जी के खिलाफ मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? मुखालफत उसी वक्त तक होती है जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी हो जाए तो वही दुश्मन निगाहों से सेलिब्रेट करने आती है। तुम सारी दुनिया को हामी बना सकते हो, डैड की हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। हम सोसाइटी की नजरों से दूर चले जाएंगे, एक छोटा सा घर बसाएंगे जहाँ रोकने वाला हाथ होगा न टोकने वाली जुबान। वहां मोहब्बत होगी, सुकून होगा, फूलों की महक होगी। मेरे हाथ में हाथ लेकर चलो लैला। इस वक्त जमीन पर हजारों इंसान किसी पादरी, किसी पंडित, किसी मौलवी के सामने प्यार के बंधन में बंध रहे हैं। चलो हम भी प्यार की डोरी में बन जाए। हाँ कहो लैला, हाँ कहो, हाँ कहो लैला, हाँ कहो लैला, हाँ कहो, हाँ कहो लैला, हाँ कहो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله جب تو نے شادی اپنی مرضی سے کی تو قرض لے بھیک مانگ چوری کر بیوی کو چاہے جہاں سے کھلا میرے پاس تیرے لیے ایک شلنگ بھی نہیں ٹھہریے ٹھہریے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں یہ اسٹیٹ नीरज कॉर्पोरेशन और नीरज बैंक अकाउंट में सिर्फ आपका नहीं मेरा भी हिस्सा है। मैं तुझे कुछ नहीं दूं। लेकिन तू मेरी विश थी कि तू शादी मेरी मर्जी से करेगा। तेरी बीवी आएगी, दहेज लाएगी, हमारी दौलत बढ़ेगी,
लेकिन तूने मेरे मफादात को ठेस पहुंचाई। यही मुझे आपसे इख्तलाफ है। सईरत कॉरपोरेशन की पैसा बनाने वाली मशीन का पुर्जा नहीं, मेरा अपना दिल, अपनी जिंदगी और अपनी पसंद है, जिसका रिमोट कंट्रोल मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकता। ओह शट अप, गेट ऑफ। क्यों टेंशन हो रही हो? आओ चलें। वेट हनी, डैड, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अपने वकीलों से मशवरा कर लीजिए। जायदाद के बंटवारे के लिए मैं आपको कोर्ट में खींचूंगा। गुड बाय फॉरएवर। कम ऑन जूली, मैं इस बूढ़े को देख लूंगा। इमरान, एलिस, क्या ये मेरा ही बेटा है? धीरज, मुझ पे शक मत करो, अपना गिरेबान देखो। इमरान जब दुनिया में आया वो ऐसा नहीं था। माँ बाप कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है। ये उसे तुमने सिखाया। पैसा? जैसे ये पैसा मैं अपने लिए कमाता हूँ। हेलो, धीरज यार, यस, व्हाट? That rascal! मैं बेटे को रोता था, बेटी उससे भी चार कदम आगे दिखी। लैला की हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का फोन था, वो वहां से गायब है। वो हरामखोर वहां भी पहुंच गया, वो यकीनन उसके साथ भागी है। अब क्या होगा ईरज? मैं किराए के कातिल सारे केनिया में फैला दूंगा। वो पागल कुत्ता जहां भी मिले उसे गोली मारता हूँ। वो बकवास करता है। बहन अलियास बेगम, कसम कुरान दीजिए, ईरज तेरा सुहाग ना होता तो मैं उनकी बखियां से गोलियां मारनिया सी, उन्हें मैं कीड़िया की खुड से मार देना सी। किसी तरह बच्चों को बचा लो रफी भाई। यूसुफ के बचन की उम्मीद तो शुरू तो नहीं सी। उसकी मां मरी तो मैं उन्हें लैके इस तरह फिरता रहा जिस तरह बिल्ली अपने बलूंगड़े नू लेके फिरती है, ताकि कोई चुक ना लवे, उन्हें किसी की नजर ना लगे। आप कुछ करेंगे नहीं? जे वो मेरे कोल होते तो मैं उन्होंने ब्याह कर दिता। हूं तो मैं उन्होंने लभन की कोशिश ही कर सकना, पर होना उही है जो उन्होंने किस्मत है। हम दोनों तोड़ के रस्में सारी, हंगामों से खाली वो की दुनिया हमारी। बचाना डॉक्टर ना मिलेगा, सोच समझ के खाना। जाने अब क्या होगा, खा तो गई जी भर के एक इलाज।
राज है इसका, सो जाओ चुप चुप करके। छोटा सा घर अपना जिसमें पूरा हो गया प्यार का सुंदर सपना। दुश्मन चाहे जहां भी जाए अपनी बोली ये न समझे कैसे इन्हें समझाए। रंबो 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 ये जो चाहे कर ले मेरी इतनी बात तुम्हारे मेरे टुकड़े बातें करके मुझको करती हो शर्मिंदा इतना सोचो तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा जिंदा। इतनी बात तो पक्की है दोनों को मरना होगा पहले कौन मरेगा इसका फैसला करना होगा। जो करना है जल्दी करो है मौत के पहरे तारो शहर भरे इन तीरों को मेरे सीने में मारो। तुमने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा। हाँ चल भाओ साथ चले हम दोनों तोड़ के रस्म सारी हंगामों से खाली होगी दुनिया हमारी। फूलों जैसा होगा छोटा सा घर अपना जिसमें पूरा होगा प्यार का सुंदर सपना। था वादा आज लगा क्यों मुझको तेरा बोझ ज्यादा। भेद नहीं है कोई तुमसे छुपाने वाला पहले मैं थी अकेली अब मैं मान लेने वाला। जाओ शाम सवेरे तेरी खिदमत करता जाऊं अब है एक तमन्ना जल्दी बात मैं कहलाऊं। लड़का हो या लड़की हो जाए जो तो
दम से होगी मुकम्मल अपनी प्यार कहानी। Roger, Roger, Peter here, contacting Iraj. Iraj here, speak. I'm in Savo. Your daughter and that boy is within the range of Makan. What to do? Kill the boy. Mention the ransom. 50,000. Okay, come with cash. Over. Follow them. Hey, don't shoot. The girl is on the back. ये सिर्फ मेरी जान लेना चाहते हैं। तुम्हें यकीन है मेरे घर में भेजा है? मैं भटकाता हूँ, तुम मौका पाते ही मेरे बाप के पास चली जाना। वापस आके तो ठीक, वरना समझ लेना इतना ही साथ था। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम साथ रही तो मेरे साथ तुम्हारी जान भी जाएगी। तुम नहीं आए फिर तो तसल्ली नहीं होगी। जो मैं कहता हूँ वो करो। सारी जिंदगी कर रही आज नहीं। ओह व्हाट नॉनसेंस। Thank you.
का हेलीकॉप्टर है, शायद हमें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पीछे मैं फुल मंथ से लगा हुआ हूँ। 17 दिनों के बाद मुझको इस गड्डी में नींदर आई थी, तुम्हारे रोने ने वो भी मुझको जगा दिया। ओए काका, ओए इस काकी दी मां चीका मार दी मेरे को आई सी कि ईरज ने तोड़े पीछे किराए दे कातल लाते ने हमें बचा लीजिए। डैड यहाँ पहुंच गए। अजी उस पास ऐ नीली अखा, बचपन तो तेरी कमजोरी सी। ओए मैनू दस, मैं अपनी अखा कढ़ा के विच बंटे फिट करा लवां। ओ पागल दे पुत्र, बुढ़े वारे इन्हां जंगलां च क्यों मैनू खुआर करन लगा है? हर वेले ऐ मौत नाल चुकी फिरना, की फायदा? रब दा वास्ता ही नीली अखा वापस मोड़े। डैड अब ये मेरी बीवी है। यार बीवी? ये वो निकाह दी पर्ची कटा ली जी। बस बैठी गट्टी ते कदी बस दी टिकट वापस नहीं हुई ते नो किस तरह वापस हो सके? अच्छा काका, जरा मैं, ओए तू मेरी नो है, मेरी ती है, कोई फिक्र की गल नहीं। मुझको बताओ जो वो तुम्हारा प्यो, वो कन्ना वाला बगो गोछा कहाँ है और कहता क्या है? हेल्प हेल्प, अरे कोई है, हेल्प, अरे कोई है, अरे बचाओ। मैं भी काकी के काका, तुम यहाँ बैठो, तुम मदद के लिए बुला रहा है, मैं देखता हूँ। अरे कोई है, अरे कोई है। ओ टिंडे, अखीर खोता खूज जा पे ना। अच्छा हुआ तू आ गया, अरे मैं यहाँ गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकाल ले। आजा आजा जल्दी से आजा। निकाल तेनू कड़ा, तू तो बड़ा कहता से किसी के बाजुओं की ताकत खेच कर मुझे ऊपर तक नहीं लाई। मेरे पास जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, मेरी मेहनत का फल है। हुण बार आवाज अपनी मेहनत से फालो, तुसी अमीर लोग आसमान से उड़न लगे भूल जाते हो, एक थान जमीन के अंदर भी होती है। तू मुझे बाहर नहीं निकालेगा? अगर ना भी टींडे ना, हुण तू इत्थे ही रह। हो सकता है कि पंजियां तीयां सालां दे बाद कोई सैंसदान तबका इत्थों दी लंघे, अंदर झाती मारे, तो पता ही उन्होंने की लगेगा? एक सूखा या पिंजर, क्योंकि बांस तेरा सारा कीड़िया ने खा जाना। और उन्होंने लै जाएंगे तो बह के सोचेंगे कि यार ये की चीज है, इंसान है या कोई चिट्टा बांदर है? वैसे की ख्याल है, वो बुझ लेंगे कि तू की चीज है? नहीं 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 ना। हाँ नहीं डैड, डैड नहीं पुत्र, जे जिंदा है इन्हें मिलकर बाहर निकाल लेते हैं। ओ ना ना, ये बाहर निकलाया तो इन्हें सानू सारे को मारना ही। ये मेरा डैड है। तो मैं कदों कह के बारा सिंह है। अब देखो अपनी धी दे आंसू, एला फड़ रसा तो लमक के बाहर आ जा बोकिया। एला फड़ Oh,
हाथ पकड़ाओ। इंज लगता है खूज पुरका कटन दिया। ऐ शान इंजे और लगा के सारी जिंदगी तुमने मुझसे नफरत की है, अब दही अपनी पाओ। शट अप, मैं तुम जैसे जंगली जाहिर गवाह से बात करना पसंद नहीं करता। मैं और तुझे गले लगाऊं? अब तहसे देखिए तूने क्या स्टेटस है तेरा। मुझको तो पहले ही तुड़कू लगा हुआ था कि ये लाटू बाहर निकलते ही पहुंच जाएगा। जनाब साहब जी, मैं आपका कुड़म हूँ, मेरा लड़का आपकी लड़की के साथ ब्याह शुदा हो गया है। आइए जफी पाइए। नहीं, मैं अपने दामाद को गले लगाऊंगा। Yeah।